Hello viewers, welcome to our channel Nanhagyan Foundation. Mera naam hai Romal. Please subscribe to our channel. Maaf karna kyun zaruri hai? Aur maaf karne se kya fayda hai? Isi ko janne ke liye ek bahut hi dil chhune wali story hai. Shanti Dham ki. Jo hai Varanasi ka ek aisa dham jahan pe log sirf marne ke liye aate hain. Ji haan. मरने के लिए जिन्हें पता होता है कि जिनकी लाइफ थोड़ी सी बची है आखिरी का कुछ समय मैं गंगा जी के घाट पे निकाल दूं ताकि मुझे स्वर्ग नसीब हो. ऐसी स्टोरी है वहां पे रूम नंबर 26 की जहां पे एक व्यक्ति आए मोहनलाल. उनका उनके भाई के साथ में बहुत लंबे पहले समय झगड़ा हुआ था और उसकी गठन इस तरीके की थी कि 26 साल उन्होंने अपने छोटे भाई से बात नहीं की. पर जब वो उस मरने की स्थिति में थे उन्होंने अपने मैनेजर को बोल के अपने भाई को बुलवाया और भाई को बुलवाने के बाद में जब उन्हें आखिरी क्षणों में कहा कि मैं तुझे माफ करता हूं, जो हुआ उसे तू मुझे माफ कर, तू मुझे माफ कर और मैं तुझे माफ करता हूं, ये जब उन्होंने बोला उनके प्राण हंसते हंसते निकल गए उसी क्षण. हम क्यों वेट करते हैं कि हम आखिरी क्षण में ही किसी को माफी मांगे? क्यों नहीं तब की तब? जब हम माफी मांगते हैं हमारा हृदय भी हल्का हो जाता है, साथ ही साथ कोई चीज भारी बोझ के साथ में हम जिंदगी नहीं जीते. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे नहीं सीखेंगे. हमें हल्का मन बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके ऊपर मुझे और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग याद आती है कि जो व्यक्ति जब फगिव करता है उसका ब्रेन काफी इफेक्टिवली काम करता है, बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है. एक रिसर्च में कहा गया था, जो एक बड़ी रिसर्च थी जिसमें नियर अबाउट 1000 लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया था, उनके ऊपर एक ऐसे एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां पे उन लोगों के साथ में 4 दिन का फॉरगिवनेस सेशन रखवाया गया था. और जब भी जो जो इंसान फॉरगिव कर रहा था उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो रही थी. यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, यदि आप चाहते हैं कि लाइफ में सक्सेस लेडर आप अचीव करें, यदि आप चाहते हैं कि आपके पास में सक्सेस और पैसा और प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस मल्टीप्लाई हो, तो प्लीज फॉरगिव कीजिए, माफ करिए. आप महसूस करेंगे कि आप उड़ रहे हैं. और अगर से इसमें भी आपको यदि हेल्प चाहिए तो यस, nanhagyan.com पे आइए. वी आर देयर टू हेल्प यू. थैंक यू. सब्सक्राइब टू आवर चैनल.